किसने बैल बजाई है? देखूं जरा कौन आया। ये आ गया पार्सल। मैं इसे खोलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए गाइस, आप लोगों को भी खोल कर दिखाती हूँ। ये गाइस, ये जो सरप्राइज है, मतलब ये जो पार्सल आपको दिख रहा है, ये मैंने हस्बैंड को नहीं बताया है। मुझे मायके से पैसे मिला था रक्षाबंधन पर, उससे मैंने ये मंगाया है। इसमें क्या है आप सबको दिखाती हूँ, ये सरप्राइज है। तो सबसे पहले मैं इसको कट करूंगी, बॉक्स को कट करूँ। इसमें टेप लगा हुआ है, तो इसको इस तरह से हम कट करेंगे। और आज का जो पार्सल है बहुत ही स्पेशल है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये सबके काम की चीज़ है, मुझे भी काम आएगी घर की, तो इसलिए मैंने इसे मंगाई है। और मैंने कहा जब मंगाई है, इतना सस्ता है, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ इस व्लॉग को शेयर कर रही हूँ। सो गाइज, देखिए इसके अंदर क्या है। टंटना, तो चलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। तो गाइज ये है मेरा पार्सल। ये देखिए गाइज, ये बॉक्सेस हैं। मैंने फ्रिज में सामान स्टोर करने के लिए ये बॉक्स मंगाया है। मतलब हम अपने फ्रिज को अच्छी तरह से कैसे व्यवस्थित करें, कम जगह में ज्यादा सामान कैसे रखें, ये इसके लिए मैंने इसे मंगाया है, इस बॉक्स को। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, मतलब ये भी है। अगर बीच में हमें नीचे कोई और सामान है, ऊपर कोई और सामान आएगा, तो इसके लिए ये डिवाइडर। और इस तरह से जो है बॉक्स को, ये का लिड है, बंद कर दिया, फ्रिज में सारे स्टोर कर देंगे। 6 बॉक्स है गाइस। मैंने 300 में 6 बॉक्स मंगाया है, यानी कि 50 रुपीज का एक बॉक्स पड़ता है। मतलब वैसे इसका रेट तो आपको 250 ही था, तो पार्सल चार्ज जो होता है वो लगाकर 300 का पड़ा है। इसे मैंने मीशो से मंगाया है। अगर आप लोगों को ये बॉक्स लेना हो, तो इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको पसंद आए। अभी तो मैंने सिर्फ बॉक्स दिखाई है, अब इसे सजाना कैसे है, रखना कैसे है, ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अगर प्रोडक्ट में कोई कमी है तो आप इसे वापस भी कर सकती हैं, यानी कि चेंज करवा सकती हैं। तो गाइस जब हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं ना, तो 150 का एक बॉक्स पड़ता है, जो कि काफी महंगा पड़ता है। और मीशो पे मतलब 30-35 रुपए में एक बॉक्स मिल रहा था, तो मैंने मंगा लिया। और मैंने कहा जब मंगा ही रही हूँ, इतना सस्ता बॉक्स मिल रहा है, आप लोगों को भी जरूरत हो इसकी, तो इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। आपको अगर लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही देखो, एंजॉय करो। तो किसी भी सब्जी को अगर लंबे समय तक सुरक्षित रहना है, तो हम इस तरह से अगर रखते हैं तो 15-20 दिन या एक महीना तक सुरक्षित रह सकता है। वैसे क्या होता है, हम पेटी में रखते हैं, जो फ्रिज का जो बॉक्स होता है नीचे सब्जी रखने वाला, उसमें रखते भी हैं, लेकिन बहुत जल्दी सब्जियां जो है मुरझा जाती है, उसकी स्किन खराब होने लगती है। बट अगर हम इस बॉक्स में रखते हैं तो एक महीना तक यह हरी मिर्च चल सकती है। आप चाहे तो इसके जो डंठल होता है वो तोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, बट मैं इसको नहीं निकालूंगी, ऐसे ही रखूंगी, मुझे ऐसे ही पसंद। अब इस तरह से मिर्च रखने के बाद, अगर हमें इसके ऊपर और भी कुछ चीजें रख, तो हम इसके बीच में डिवाइडर डालेंगे। अब जैसे कि अदरक रखना है या नींबू रखना है, तो वो हम इसके ऊपर रख देंगे, क्योंकि ये तीनों चीज अगर एक बॉक्स में रहे ना, तो ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि ढूंढना आसान होता है। रखने के बाद एक और टिश्यू पेपर हम इसके ऊपर डालेंगे, और इसके बाद हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे। तो इस तरह से लिड लगा के अब हम इसे फ्रिज में जमा कर देंगे। अब हम दूसरे बॉक्स का इस्तेमाल कैसे करना है, यानी कि अगर टोमेटो है, टोमेटो वैसे जल्दी ख़राब नहीं होता है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपको बॉक्स में टोमेटो को रखना है, ज़्यादा दिनों तक चाहते हैं कि सुरक्षित रहें, तो इस तरह से एक टिश्यू पेपर बिछाने के बाद आपको इसमें रखना है। ये रख सकते हैं, ऊपर से हम एक टिश्यू पेपर डाल देंगे, इसे कवर कर देंगे और ऊपर से लिड लगा देंगे। ये हो गया, टोमेटो भी फिक्स हो गया। तो इस तरह से हम जो है इसको रखते जाएंगे। तो गाइस इस बॉक्स में मैं भिंडी रखने जा रही हूँ। भिंडी को भी, मतलब भिंडी क्या है, घर में रखे रखे हुए भी पक जाता है, तो अगर हम इस बॉक्स में इसे भर के रखते हैं, एक तो निकालना भी आसान होता है, क्योंकि सब्जी मिक्स नहीं, तुरंत आप एक बॉक्स उठाएंगे इसे निकाल लेंगे, और इसमें चीजें सुरक्षित भी रहती है, ज्यादा लंबे समय तक खराब भी नहीं होगा। जब भी चाहे एक हफ्ता क्यों ना हो, फ्रिज में अगर हम बॉक्स में रखते हैं तो क्या होता है, भिंडी भी सूख जाती है, 3-4 दिन के बाद जो है भिंडी सूख जाती है। तो अगर हम इस तरह से रखेंगे और एक हफ्ता बाद भी आप इसे बनाएंगे, तो ये बिल्कुल तरोताजा ही रहेगा।
तीन डब्बे हमारे तैयार हो गए। गाइस धनिया जो है बहुत महंगा होता है, और इसको अगर आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी इसे धोना नहीं, जब बाजार से खरीद कर लाते हो ना तो इसे धोया मत करो, ऐसे ही डब्बों में बंद करके रखो, इसे लंबे समय तक सुरक्षित होती है। अगर आप धो देती हो तो क्या होता है, ये जल्दी गल जाता है, इसके लीव्स जो है गल जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका धनिया गंदा है तो आप इसे धो सकते हैं, बट आपको फिर इसके ऊपर जो पानी है, मॉइस्चर है, उसको अच्छी तरह से सुखाना पड़ेगा, कपड़े से टैप करके इसे सुखाना होगा ताकि इसके ऊपर जो पानी है वो निकल जाए और फिर ये गले ना। इसके बाद बॉक्स में रखने के बाद ऊपर से फिर से मैंने एक टिश्यू पेपर लगा दिया है और इस तरह से बॉक्स बंद कर देंगे और इसे रख देंगे, ये 15 दिन तक ये धनिया चल सकता है। तो हमारे 4 बॉक्सेस तैयार हो चुका है, 2 बॉक्स बचा है, उसमें भी भर के दिखाती हूँ। अब गाइस देख सकते हैं कि ये जो करेला है इसको लाए हुए 2 दिन हो चुका है, और 2 दिन में ही मैं देख रही हूँ कि काफ़ी मुरझा गया है। तो अगर हम इसे भी बॉक्स में रखते हैं तो ये भी ज़्यादा दिनों तक टिकेगा, ख़राब भी नहीं होगा। तो गाइस इस तरह से सभी बॉक्स में सब्जी भरने के बाद अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे। तो चलिए फ्रिज के पास दिखाती हूँ कैसे रखना है। तो गाइस इस तरह से देखिए कैसे मेरा फ्रिज भरा हुआ है। अगर मैं बॉक्स में चीज़ों को रखती हूँ तो फ्रिज को मैं अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सकती हूँ, फ्रिज देखने में सुंदर भी लगेगा और ज़्यादा सामान इसमें आ सकता है।